Hello everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. I'm your regulated immigration consultant and I work from Edmonton, Alberta. आज एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर आपको सुनानी है. Today is January 23rd, 2024. कल इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने अनाउंस किया है कि कनाडा 2 years का टेम्प्ररी कैप लगा रहा है फॉर द इनटेक ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. दिस इज अ ह्यूज न्यूज़, क्योंकि कनाडा का एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन का प्रोसेस का पार्ट है इनटेक ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अगर कनाडा उस पर कैप लगा रहा है तो विच मींस दिस इज़ समथिंग बिग. और इस सिलसिले में अगर हम देखें थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो इन द पास्ट वो इमिग्रेशन मिनिस्टर का ही कहना है कि सम प्राइवेट स्कूल्स हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाय नॉट प्रोवाइडिंग देम व्हाट हैज़ बीन प्रोमिस्ड. जैसा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इनटेक उन पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने सिर्फ अपने इंटरनेशनल इनटेक को बढ़ाने के लिए किया, हाई फीस रखी बहुत ज़्यादा, उसके अलावा कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज अपना रखा डेफिनेटली कॉलेज या स्कूल के लिए, और लैकिंग सपोर्ट ऑफ इट सेटलमेंट. ये बहुत बड़ा एक पोर्शन होता है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुला रहे हैं तो उनको सेटलमेंट सपोर्ट भी दी जाए. दूसरी साइड पे हम ये भी देख रहे हैं कि कनाडा में इस वक्त हाउसिंग का बहरान है, हेल्थ केयर का बहरान है, स्कूल में क्लास साइजेस हमारे इंक्रीज हो गए हैं, एंड एमरजेंसीज में वेट टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है. इन सब को नज़र में रखते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटेक पर कैप लगा दिया गया है 2 साल का. लास्ट ईयर 900,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आए, इस साल 364,000 का नंबर अनाउंस हुआ है बाय द इमिग्रेशन मिनिस्टर, जो कि 35% लेस देन लास्ट ईयर्स इनटेक है. आगे वो कहते हैं कि 3 principal मेजर्स हैं जो कि अनाउंस हुई हैं, जिसमें पहली यही है कि 2 साल का टेम्प्ररी कैप है, जो कि सीरीज ऑफ मेजर्स जो कि बेटरमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड पीआर होल्डर्स या कैनेडियंस हैं उन सब की बेहतरी के लिए है, उसका ये समझिए पहला पार्ट आया है. आगे इसका जो दूसरा पोर्शन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर प्रोविंस को उन्होंने कैप स्पेस एलोकेट कर दी है डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैसिलिटीज दे प्रोवाइडेड इन द पास टू द फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अगर हम देखें कि पूरे कनाडा में 1,000 डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको DLIs कहते हैं एंड 592 आर जस्ट इन ऑन्टेरियो. आप देख रहे हैं इसी वजह से मार्क मिलर ने ऑन्टेरियो और ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किए हैं चेंजेस, ताकि जो कैप प्रोविंस को मिलेगा उसी हिसाब से प्रोविंस DLI को डिस्ट्रीब्यूट करें जो कैप स्पेसेस हैं. थर्ड ये मतलब इसी का नेक्स्ट पोर्शन ये है कि इफेक्टिव इमीडिएटली, ये सेकेंड मेजर होगी इफेक्टिव इमीडिएटली, हर वर्क परमिट एप्लीकेशन के साथ एक अटेस्टेड लेटर बाय द प्रोविंस वो अटैच होगा. ये उसके लिए है कि जो प्रोविंस को कैप एलोकेट हुआ है उसकी चेक एंड बैलेंस भी रहे. थर्ड ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मॉडल्स. पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बहुत हेल्प करता है उन स्टूडेंट्स को जो कि पढ़ने के लिए कनाडा आते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टडीज उनको PGWP मिलता है. जैसा कि जिसका 8 months का प्रोग्राम है उसको 8 months का PGWP मिलेगा, 1 year प्रोग्राम पे 1 year का मिलेगा, 2 years और लॉन्गर प्रोग्राम के लिए 3 years का PGWP मिलता था, लेकिन वो इफेक्टिव इमिडिएटली PGWP भी हर पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा. और लेकिन कैप इज नॉट अप्लाइड टू स्टूडेंट्स एट ग्रेजुएट लेवल स्टडिंग मास्टर्स और डॉक्टरेट लेवल. अगली बात ये कि ओपन वर्क परमिट जो कि स्पाउसेस ऑफ ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता था उसमें भी चेंजेस हैं, यानी कि अब डिपेंडेंट स्पाउस ओपन वर्क परमिट
will only be allowed to the spouse of the international students that holds master's and doctorate programs as well as professional programs like medicine and law. Yani in char program holders ke ilawa baki international student ke spouses ko open work permit dependent nahi milega. Ye bhi ek achhi khasi change hai system mein, kyunki agar spouse ko dependent open work permit nahi mil raha to then there is no use of bringing the spouse until you have applied for any other program for PR or such thing. Kyunki phir to wo spouse aapke upar dependent ho jayega, usko agar work permit hi nahi mil raha to hamare hisab se ye ek tarah se कुछ स्टूडेंट्स को या जो है वो नेगेटिवली उनके फेवर में जाएगी, लेकिन ओवरऑल ये एक पॉजिटिव चेंज ही है कि अगर हाउसिंग और हेल्थ केयर एंड सेटलमेंट सर्विसेज कनाडा इतनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा तो उसका ये मतलब है कि उतनी फैमिलीज भी फिर ना यहाँ आएंगी तो और ना ये सारे इश्यूज रेज होंगे. कैप विल नॉट अप्लाई टू कैंडिडेट्स इन कैनेडा जो कि ऑलरेडी प्रोग्राम्स में इस वक्त एनरोल्ड हैं और उनके ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा ये कैप, और जो कि अपनी स्टडी परमिट रिन्यूअल ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, अप्लाई हो चुका है, उनके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. 2 साल का टेम्प्रेरी ये मॉडल अनाउंस किया है हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर ने, और वो कहते हैं कि इसको रीअसेस करेंगे इन द ईयर 2025. अगर दिखता है कि ये मॉडल काम करेगा तो डेफिनेटली फिर और इसी तरह की चंद मेजर्स की जाएंगी जो कि सबके हक में जाएंगी, सबको फ़ायदा होगा. और जैसा हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी परेशान हो जाते थे कि स्टूडेंट्स आए हैं डेफिनेटली, लेकिन उनको हाउसिंग इशूज़ हो रहे हैं, सेटलमेंट इशूज़ हो रहे हैं, जो 20 आवर्स वो जॉब कर पाते थे जॉब्स अवेलेबल नहीं है. इस वक्त कैनेडा कहीं कुछ प्रोविंसेस में जॉब के बहरान से भी गुजर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें लगता था कई दफ़ा कि जैसे कैनेडा जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा इतना इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स. तो ये एक मेजर है जो कि उस इन्फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए की गई है. लेट्स होप एंड प्रे कि ये सब के फ़ायदे में जाए और लोगों की जिंदगियों को पॉजिटिवली अफेक्ट करें. हमसे राब्ता कर सकते हैं @ash.immigration1@gmail.com. ईमेल कीजिए, अपना जो क्वेरी है क्वेश्चन है वो लिखिए और फिर हमसे पेड इनिशियल कंसल्टेशन बुक कराइए. ऑल गुड थिंग्स कम विद अ प्राइस. हमारी इनिशियल कंसल्टेशन भी प्राइस के साथ आती है. तो हमारी ख्वाहिश है आप सबको जल्दी कैनेडा में देखें, आइए हमसे मुलाकात कीजिए. होप टू सी यू सून इन कैनेडा. टेक केयर.